अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इन द सीक्वेंस ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, आई एम सैयद काजिम हुसैन रिजवी, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ होमोफोन्स, which is an important topic regarding the syllabus of Sindh Board of Technical Education. So let's start with this question. Homophones means words of similar in sound बट डिफरेंट इन मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स, यानी ऐसे अल्फाज जो कि एक जैसी आवाज़ रखते हैं मगर उनके मीनिंग्स और उनकी स्पेलिंग लाजमी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इफ़ वी डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन इन डिटेल, so we can say that this question is very important regarding the increasing of vocabulary. I mean, two things are necessary to improve your English language. Number one, command over tenses, means present, past and future. एंड नंबर टू, कमांड ओवर वोकेबलरी, यानी अल्फाजों के ज़खीरे के ऊपर ग्रिप। इफ़ यू हैव ए कमांड ओवर दीज टू थिंग्स, सो द थर्ड थिंग विल बी कॉन्फिडेंस लेवल। तीसरी चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल है, विच इज़ नाउ वेरी कॉमन इन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इन दीज डेज। So here is the example of some similar in sound words. For example, number one, accept. Accept, कबूल करना, similar in sound word accept. Now here you can see the difference of spelling. एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना, सेकेंड वर्ड एक्सेप्ट अलावा इसके, वर्ड ऑफ सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एज वेल एज स्पेलिंग, दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। नंबर टू, बाय, बाय मीन्स गुड बाय, बी वाई ई, सिमिलर इन साउंड बी यू वाई, बाय मीन्स ख़रीदना, और इसका थर्ड वर्ड जो सिमिलर इन साउंड है वो बाय यानी प्रपोजिशन है, यानी मदद से या किसी चीज़ के हवाले से ये बाय इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थ्री, बैट, बैट आम तौर पर बल्ले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चिमगादड़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका सिमिलर इन साउंड वर्ड बी ई टी, बैट यानी शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बी ए टी और बी ई टी सिमिलर इन साउंड है मगर डिफरेंस इन मीनिंग और स्पेलिंग भी है। नंबर फोर, सेंट, सेंट पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लैंड में करेंसी के हवाले से पैसों की सूरत में या सिक्कों की सूरत में सेंट को यूज़ किया जाता है, जबकि दूसरा जो सेंट है एस सी ई एन टी, सेंट मीन्स परफ्यूम, अतर। नंबर फाइव, ड्यू, ड्यू डी यू ई मीन्स पेंडिंग वर्क, यानी ऐसी चीज़ जो कि वाजिबुल अदा हो, ये रकम इस पर ड्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसका सिमिलर इन साउंड वर्ड ड्यू, डी ई डब्ल्यू यानी शबनम के ख़तरे, शबनम। नंबर सिक्स, नाइट, रात,
सिमिलर इन साउंड वर्ड के एन आई जी एच टी, नाइट यानी कमांडर, सिपहसालार, लीड करने वाला। नंबर सेवन, सन, सूरज, सिमिलर इन साउंड वर्ड सन, बेटा। एट पर सी यानी समंदर, उसके बाद सी, देखना। नंबर नाइन, साइट, साइट का मतलब है निगाह, फॉर एग्जांपल आई साइट, और इसका सिमिलर इन साउंड वर्ड है साइट, वो जगह जहाँ पर काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा साइट। नंबर टेन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सिमिलर इन साउंड प्रिंसिपल यानी रूल, उसूल। इलेवन पर मीट, मुलाकात, सिमिलर इन साउंड वर्ड मीट, गोश्त। नंबर ट्वेल्व, राइट यानी लिखना, सिमिलर इन साउंड वर्ड राइट यानी सही। थर्टीन पर राइस, राइस चावल, सिमिलर इन साउंड वर्ड राइस यानी सूरज का तुलू होना, बुलंद होना। नंबर फोर्टीन पर सम, सम मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा करना या माइनस करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, और इसके साथ दूसरा जो वर्ड है वो है सम यानी कुछ। नंबर फिफ्टीन पर सीन यानी मंजर, इसका सिमिलर इन साउंड वर्ड है सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ सी यानी देखना। नंबर सिक्सटीन पर रोड यानी सड़क, इसके साथ सिमिलर इन साउंड वर्ड रोड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड राइड, सवार हुआ। नंबर सेवनटीन, फ्लोर यानी मंजिल, सिमिलर इन साउंड वर्ड फ्लोर आटा। नंबर एटीन, स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, सिमिलर इन साउंड वर्ड स्टोरी मंजिल, कहते हैं ना हमारा घर सिंगल स्टोरी पर है, डबल स्टोरी पर है। आम तौर पर ये जो स्टोरी का वर्ड है, इसको आम तौर पर ज़्यादातर एशिया पैसिफिक के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी इंडियन रीजन के अंदर स्टोरी के इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, वरना ज़्यादातर द ग्रेट ब्रिटेन या अमेरिकन जो यूज़ करते हैं वो फ्लोर का वर्ड ही यूज़ करते हैं। नंबर 19 पर रेज, रेज का मतलब है बुलंद होना, कहते हैं ना रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को बुलंद करें, सिमिलर इन साउंड वर्ड रेज यानी श्वाएं। नंबर 20 पर ईयर, ईयर यानी साल, सिमिलर इन साउंड वर्ड ईयर यानी कान। 21 पर रोल, रोल यानी अ रैप ऑफ अ पेपर, यानी कागज़ का जो एक बाकायदा तौर पर रोल आता है उसको भी कहा जाता है, और रोल अ नेम ऑफ अ डिश, यानी ये खाने की डिश का भी नाम है रोल, जिसको हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि रोल इसका जो सिमिलर इन साउंड वर्ड है इसका मतलब है किरदार। नंबर 22 पर हेयर, हेयर यहाँ, इसके साथ जो दूसरा वर्ड है हेयर, एच ए आर ई, इट मीन्स मेल रैबिट, रैबिट का जो मेल है उसको हेयर कहा जाता है। तीसरा वर्ड है हेयर यानी बाल, बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके एक वर्ड के दो वर्ड्स बन रहे होते हैं। नंबर 23 पर है कास्ट, कास्ट का मतलब है जात, नस्ल, इसका सिमिलर इन साउंड वर्ड है कास्ट यानी जो ड्रामास या मूवीज़ के अंदर आम तौर पर प्रोडक्शन लिखी हुई आ रही होती है कि कितने एक्टर्स ने काम किया, उसे कास्ट के वर्ड में काउंट किया जाएगा। नंबर 25 पर मेल, मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी मर्द के लिए, और इसका जो सिमिलर इन साउंड वर्ड है वो है मेल यानी किसी भी पैगाम को फॉरवर्ड करना, जैसे ईमेल वगैरह। 26 पर है वुमेन, वुमेन
आम तौर पर ऐसा वर्ड जो कि सिंगल खातून के लिए इस्तेमाल किया जाए, वुमेन यानी खातून। इसका जो सिमिलर इन साउंड वर्ड है वो है वुमेन, जिसको आम तौर पर लोग वुमेन भी बोलते हैं प्लूरल के अंदर यानी खवातीन। इसके अलावा भी देयर आर सो मैनी वर्ड्स विच वी कैन यूज़ इन आवर डेली रूटीन लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर, THEIR, देयर मीन्स वहाँ। इसका सिमिलर इन साउंड देखा जाए तो THEIR, देयर उनके पास। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं ये सिर्फ एक समझाने की हैसियत से दिए हैं ताकि ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके